फिरोजाबाद में चल रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा धरने में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वर्तमान में चल रही सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फिरोजाबाद से सोमेश हमारे साथ फोन लाइन पर लाइव जुड़ चुके हैं। सोमेश, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का फिरोजाबाद में कितनी तहसीलों पर धरना चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? बताना चाह रहा हूँ सर कि 5 तहसीलों पर धरना दिया गया। जी सोमेश, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की नीतियों पर क्या सवाल खड़े कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? महंगाई के विरोध में सर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया 5 तहसीलों में और जबरदस्त धरना किया। जी शुक्रिया सोमेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गाजियाबाद में आज फिल्म अभिनेत्री सलमान खान के टीवी शो बिग बॉस की अश्लीलता को लेकर ब्राह्मण महासभा ने सलमान खान का पुतला फूंका। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं सीमा गुप्ता। सीमा गुप्ता, हमारे दर्शकों को बताइए क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से बताएंगे। जी आपको बता दें कि जिस तरह से सलमान खान का शो चल रहा है बिग बॉस, उसको देख करके ब्राह्मण समाज ने उसकी अश्लीलता को लेते हुए विरोध जताया है और बताया कि ये सब उसमें जो अश्लीलता दिखाई जा रही है इसको बंद होना चाहिए और हमारे तरफ से ये शो बंद हो जाए, जिसके विरोध में उन्होंने सलमान खान का पुतला जलाया है। सीमा, ब्राह्मण महासभा के लोगों ने शो बंद कराने के लिए डीएम को ज्ञापन सौंपा है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी हाँ, उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपा है कि इस तरह के शो बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए और जिस तरह से फिल्मी अभिनेता इस चीज का प्रचार करते हैं वो बिल्कुल ही समाज के लिए गलत है, जिससे कि बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है, जिसे देखकर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता और वो बुरी हरकतें सीखते हैं। जी शुक्रिया सीमा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, जहां पर पुलिस व प्रशासन की टीम ने इंदिरापुर इलाके में 2 स्पा सेंटरों पर छापेमार कार्रवाई की है और मौके से 9 युवक और 10 युवती को गिरफ्तार किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से सीमा गुप्ता फोन लाइन पर लाइव जुड़ चुकी हैं। सीमा, क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताएंगे। जी आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस व प्रशासन की टीम ने इंदिरापुरम इलाके में राजहंस अपार्टमेंट के अंदर चलने वाले 2 स्पा सेंटरों पर छापेमारी की है, जिसके अंदर से आपत्तिजनक स्थिति में 9 युवक और 10 युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस को लगातार इस स्पा सेंटर की शिकायत मिल रही थी, जिसके ऊपर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। सीमा जी, कितने लोग मौके पर हिरासत में लिए गए हैं? इसमें आपको बता दें कि 9 युवक और 10 युवतियों को हिरासत में लिया गया है। जी सीमा जी, क्या पुलिस ने किसी की शिकायत पर यह एक्शन लिया है? जी हाँ, पुलिस इंदिरापुरम पुलिस को लगातार लोगों की शिकायत मिल रही थी कि राजहंस अपार्टमेंट के अंदर चलने वाले स्पा सेंटरों में देह व्यापार हो रहा है, जिसको देखते हुए पुलिस ने इस पर छापेमारी की और वहां से लोगों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में इस समय चुनावी सरगर्मियां काफी तेज लग रही हैं। चुनावी सभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी भारत भूषण गुप्ता ने रामपुर के सांसद आजम खान पर तंज कसा है और कहा है कि आजम खान तो चपरासी से भी बदतर है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रामपुर से हमारे संवाददाता सफदर हसन फोन लाइन पर लाइव जुड़ चुके हैं। सफदर, क्या भाजपा प्रत्याशी भारत भूषण का ये चुनावी स्टंट है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी मतलब भाजपा ने भारत भूषण गुप्ता को रामपुर के उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित किया है। चुनावी सभा के दौरान उन्होंने रामपुर की जनता से कहा कि आजम खान तो चपरासी बनने के लायक भी नहीं है और आप लोगों ने उन्हें सांसद बना के फैसला ले लिया। जी सफदर, क्या इस तरह से वो जनता के दिलों में जगह बना पाएंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? उनकी इसी बात को लेकर के खासकर देखा जाए तो बीजेपी कहने में भी काफी नाराजगी की, इस तरह की आप अभद्र टिप्पणी एक सांसद के लिए कर रहे हो जो कि पिछले 9 बार से लगातार रामपुर की इसी सीट से विधायक भी रहे हैं और लोकसभा का चुनाव भी जीते हैं। जी तो अब देखने वाली बात यह है कि भारत भूषण गुप्ता इस तरह के टिप्पणियां कर क्या मुस्लिम समुदाय के लोगों को भाजपा की ओर आकर्षित कर पाएंगे, लेकिन बहुत दिलचस्प मुकाबला लगता नहीं है कि वो ऐसा कर पाएंगे। सफदर, क्या आजम खान की तरफ से इस बयान पर कोई टिप्पणी सामने आई है? फिलहाल अभी तक तो कुछ भी खुलकर किसी ने बयान नहीं दिया, ना खुद आजम खान ने कुछ कहा, ना ही सपा प्रत्याशी तजीन फातिमा भी सामने नहीं आई है। अभी लगभग सपा की तरफ से कोई भी बयान ना देखने को ना सुनने को मिला ही नहीं है। शुक्रिया सफदर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जी मतलब भाजपा ने भारत भूषण गुप्ता को रामपुर के
उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित किया है। चुनावी सभा के दौरान उन्होंने रामपुर की जनता से कहा कि आजम खान तो चपरासी बनने के लायक भी नहीं है और आप लोगों ने उन्हें सांसद बनाकर फैसला ले लिया। जी सफदर, क्या इस तरह से वो जनता के दिलों में जगह बना पाएंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? उनकी इसी बात को लेकर के खासकर देखा जाए तो बीजेपी कहने में भी काफी नाराजगी की, इस तरह की आप अभद्र टिप्पणी एक सांसद के लिए कर रहे हो जो कि पिछले 9 बार से लगातार रामपुर की इसी सीट से विधायक भी रहे हैं और लोकसभा का चुनाव भी जीते हैं जी। तो अब देखने वाली बात यह है कि भारत भूषण गुप्ता इस तरह के टिप्पणियां कर क्या मुस्लिम समुदाय के लोगों को भाजपा की ओर आकर्षित कर पाएंगे, लेकिन बहुत दिलचस्प मुकाबला लगता नहीं है कि वो ऐसा कर पाएंगे जी। सफदर, क्या आजम खान की तरफ से इस बयान पर कोई टिप्पणी सामने आई है? फिलहाल अभी तक तो कुछ भी खुलकर किसी ने बयान नहीं दिया, ना खुद आजम खान ने कुछ कहा, ना ही सपा प्रत्याशी तजीन फातिमा भी सामने नहीं आई है। अभी लगभग सपा की तरफ से कोई भी बयान ना देखने को ना सुनने को मिला ही नहीं है। शुक्रिया सफदर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।